हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ रियलिटी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उरूसा मुबीन है। और मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन। हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर, ये हमारा आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि मैंने हमें भी नहीं पता हमने इसके अभी तक बारे में इस कुछ वीडियो में भी। कुछ भी, मतलब इतना सा, एक सेकंड की भी ये वीडियो नहीं देखी है। सिर्फ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा तो हमने ये फौरन डिसाइड किया कि यार इसके ऊपर जो है ना रिएक्शन रिएक्शन देखेंगे। और वीडियो होनी चाहिए, और फिर रिव्यूज अपने देखने के बाद आपको देंगे, मगर आपके साथ ही देखेंगे वो वीडियो। हाँ तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर दें। वन टू थ्री। दोस्तों, जब सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बाउंड्री कमीशन के हेड साइरल रेडक्लिफ से 1971 में इंडो पाक बॉर्डर पर बात की तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई नियरली गेव यू लाहौर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का जिक्र कुलदीप नायर अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन 1971 में लाहौर में रेडक्लिफ के फ्लैट में हुआ, जब कुलदीप नायर इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मिलने गए थे। उनकी ये विजिट ये समझने के लिए थी कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस को एग्जैक्टली किस हिसाब से ड्रॉ किया गया। खैर, रेडक्लिफ के अलावा कई ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो ये कहते हैं कि जब तक लाहौर ऑफिशियली पाकिस्तान के पास नहीं गया था, तब तक लोगों को लग रहा था कि लाहौर इंडिया के पास ही आएगा। सीनियर बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा भी कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त पूरे लाहौर शहर को लगता था कि लाहौर इंडिया के पास ही रहेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि साइरिल रेडक्लिफ ने पहले लाहौर को इंडिया को देने का सोचा, लेकिन अचानक अपना डिसीजन बदल दिया? आज के वीडियो में हम इतिहास के इसी इंटरेस्टिंग इवेंट की बात करेंगे और उन कारणों को देखेंगे जिनके तहत लाहौर पाकिस्तान के पास गया। हम आपको साइरिल रेडक्लिफ का वो उत्तर भी बताएंगे जिसके तहत उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा हम उन पैरामीटर्स को भी समझेंगे जिनके तहत रेडक्लिफ कमीशन ने इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिमार्केट किया। चलिए शुरुआत करते हैं लाहौर के ब्रीफ इतिहास से और जानते हैं कि क्यों लाहौर वॉज मेंट फॉर इंडिया। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि लाहौर वॉज नेवर मेंट टू गो टू पाकिस्तान। कहते हैं कि रेडक्लिफ कमीशन को इंस्ट्रक्शंस थे कि वो पंजाब और बंगाल में बाउंड्री का डिमार्केशन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन शेयर को ध्यान में रखते हुए करें, लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं था क्योंकि उन्हें बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना था, जैसे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इरीगेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा। लेकिन बाकी के फैक्टर्स स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं थे और इसलिए रेडक्लिफ के पास डिस्क्रिशन था। खैर, 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदूज और सिख ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप में उनका शेयर 80% तक था। इस हिसाब से लाहौर की इकोनॉमी में डोमिनेंस नॉन मुस्लिम्स का ही था। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी सब हिंदूज और सिख चलाते थे। इसके अलावा जब बाउंड्री कमीशन काम कर रहा था तब हिंदूज और सिख ने 1941 की पॉपुलेशन सेंसस को भी डिस्प्यूट किया और क्लेम किया कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 54% ही थी और बाकी के लोग नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने ये भी दावा किया कि चूंकि प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में मेजर कंट्रोल हिंदूज और सिख का था, इसलिए डेमोग्राफी या रिलीजियस पॉपुलेशन सिटी को डिमार्केट करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। लाहौर हमेशा से कई एम्पायर्स का डेवलप्ड पॉलिटिकल कैपिटल रहा है, जिसमें ब्रिटिश राज में भी काफ़ी ग्रोथ देखी, जिसके चलते वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस सिटी बना। लाहौर पावरफुल सिख वॉरियर महाराजा रंजीत सिंह की भी कैपिटल था, जो एक वक्त में कोहिनूर हीरा ओन करते थे। पार्टीशन के पहले तक लाहौर अपने कॉस्मोपॉलिटनिज्म, डाइवर्सिटी और एथनिक मल्टीप्लिसिटी के लिए जाना जाता था, जहाँ हर धर्म के लोग आपस में शांति से रहते थे और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। अपने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा हुआ था। लाहौर का मॉडल टाउन फर्स्ट मॉडर्न सबर्ब था, जिसे वहाँ के एलीट हिंदू मर्चेंट क्लास के लिए बनाया गया था। शाह अलामी के सीतला मंदिर में थर्सडे इवनिंग को हिंदूज की भारी भीड़ हुआ करती थी और लाहौर फोर्ट दशहरा जुलूस का सेंटर था। होली से लेकर दिवाली और ईद वहाँ के लक्ष्मी चौक में पूरे जश्न के साथ मनाए जाते थे।
लाहौर का ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक हेरिटेज था जिसे केवल नेहरू और गांधी के देश में बचाया जा सकता था, जो सेकुलरिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए भी लाहौर वॉज मेंट फॉर इंडिया। लेकिन 1947 में ये शहर पार्टीशन की आग का शिकार बना, जिसके बीज अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दशकों पहले बोए थे। पार्टीशन ने इस शहर को बदल कर रख दिया, वैसे ही जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और भी शहर बदले। जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि बाउंड्री कमीशन लाहौर पाकिस्तान को दे देगा, लाखों हिंदूज और सिख पार्टीशन के चलते माइग्रेट होने लगे। लाहौर का फेमस शाह आलामी मार्केट, जो हिंदू ट्रेडर्स का एक हब हुआ करता था, उसे कम्युनल मॉब ने कैप्चर कर लिया। पार्टीशन के बाद जैसे जैसे दिन बढ़े, लाहौर का डेमोग्राफी बदलने लगा और आज वहाँ सिर्फ 1% हिंदूज और सिख रहते हैं। पोस्ट पार्टीशन लाहौरी इश्तियाक अहमद बताते हैं कि 1947 के बाद लाहौर में मोस्ट ड्रामेटिक चेंज वहाँ के कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ख़त्म होना ही था। चलिए अब समझते हैं रेडक्लिफ कमीशन की फंक्शनिंग को और जानते हैं कि लाहौर आखिर पाकिस्तान के पास क्यों गया। दोस्तों, साइरिल रेडक्लिफ ने फाइनली कुलदीप नायर से कहा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको लाहौर दे दिया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, क्योंकि कलकत्ता को मैंने ऑलरेडी इंडिया को दे दिया था। इस तरह का वेग एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि रेडक्लिफ कमीशन किस तरह से अनडिफाइंड रूल्स और आर्बिट्री तरीकों से ऑपरेट कर रहा था। रेडक्लिफ के पास कोई ढंग का जस्टिफिकेशन नहीं था इस डिसीजन के पीछे। खैर, रेडक्लिफ कमीशन के प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस के पीछे कई कारण थे। पहला तो ये कि इस कमीशन के सभी मेंबर्स, इंक्लूडिंग रेडक्लिफ हिमसेल्फ, बाय प्रोफेशनल लॉयर्स थे। रेडक्लिफ एक बेहद ईमानदार और अपराइट जज थे और यही वजह है कि उन्हें बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया। लेकिन रेडक्लिफ और बाकी मेंबर्स में किसी के पास बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास कोई एडवाइज़र भी नहीं था जो उन्हें बाउंड्री डिमार्केशन की निटी ग्रिटीज, डिटेल्स और प्रोसीजर्स को समझा सके। यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि कुलदीप नायर ने साइरिल रेडक्लिफ से बाउंड्री डिमार्केशन के पैरामीटर्स या यार्डस्टिक्स जानने की कोशिश की तो वो हॉरिफाइड और शॉक्ड थे। नायर कहते हैं कि रेडक्लिफ के पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं थे जिनके तहत वो बाउंड्रीज का डिमार्केशन कर रहे थे। लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स का एक कारण टाइम की कमी भी था। यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व ना करने के पीछे का भी कारण टाइम की कमी ही बताई जाती है। ब्रिटेन की न्यू लेबर गवर्नमेंट वॉर के चलते हैवी डेट में थी, जो एक अनस्टेबल एम्पायर को होल्ड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ में ब्रिटिशर्स यूएन को इन्वॉल्व कर ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को गवर्न करने में फेल हो गया है। इसलिए ये एक फेस सेविंग टेक्निक थी। जब कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ से सवाल किया कि क्या आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, तो रेडक्लिफ ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स थे कि जल्द से जल्द बाउंड्री कमीशन डिसीजन ले। वो कहते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट एक बड़ा फैक्टर था जिसके चलते स्टैंडर्ड रूल्स बनाकर बाउंड्री पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल था। वो दावा करते हैं कि अगर 2-3 साल का समय उन्हें मिलता तो शायद वो और अच्छे से बाउंड्री डिमार्केशन कर सकते थे। ये बात सच है कि रेडक्लिफ के पास समय काफ़ी कम था। रेडक्लिफ को जून 1947 में अपॉइंट किया गया और वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिदायत दी कि वो एक दिन की देरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जुलाई में इंडिया आए और ये काम सिर्फ 5 हफ्तों में करके वापस लौट गए। इसलिए ये साफ पता चलता है कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में बाउंड्रीज का क्रिएशन कितनी जल्दी में हुआ। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन की फंक्शनिंग के लिए पार्टीशन के वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन और अरेंजमेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया। रेडक्लिफ कमीशन में 2 इंडिया के जजेस, मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह, और 2 पाकिस्तानी जजेस, दिन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे। बाउंड्री कमीशन में इंडिया और पाकिस्तान के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के चलते वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाना बेहद कठिन था, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए खुद को असर्ट कर रहे थे। रेडक्लिफ कहते हैं कि वो कमीशन के लोगों से खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों साइड्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो बताते हैं कि ईस्ट बंगाल के एक मुस्लिम मेंबर ने तो उनसे दार्जिलिंग की मांग भी की थी। इसके चलते रेडक्लिफ कमीशन में कई डेड ब्लॉक्स आए। इन डेड ब्लॉक के चलते रेडक्लिफ को ही सारे डिसीजंस लेने पड़े जो आर्बिट्री थे। होते भी क्यों नहीं, जब रेडक्लिफ को ना तो इंडियन जियोग्राफी की कोई जानकारी थी और ना ही जानकारी हासिल करने का वक्त। इसके अलावा रेडक्लिफ अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो चाहे कोई भी डिसीजन लेते, उसका असर वायलेंस ही होना था, क्योंकि इंडिया में कम्युनलिज्म अपने चरम पर था।
कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाहौर में बढ़ रहे वायलेंस ने भी शायद रेडक्लिफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया होगा। बाउंड्री डिमार्केशन का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी में हुआ, जिसके चलते इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी में हुआ, जिससे लाखों लोगों ने वायलेंस में अपनी जान दी। कहते हैं कि जैसे जैसे लाहौर की किस्मत को लेकर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी, वैसे वैसे लाहौर में दंगे भड़के, और इसलिए लाहौर दंगों का वन ऑफ द वर्स्ट एपिसेंटर बना। राइट्स ऐसे थे कि सभी कम्युनिटीज़ के लोग विक्टिम्स भी थे और राइटर्स भी। मार्च और अप्रैल के राइट्स में लगभग 82,000 घर डिस्ट्रॉय हो गए। आर्म्ड ब्रिटिश पर्सनल की मौजूदगी में ये राइट्स चलते रहे। ऐसे में बाउंड्री कमीशन के डिसीजन के पहले ही हिंदूज और सिख मास स्केल में अपना घर छोड़कर इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए। By late अगस्त 1947, 66% हिंदूज और सिख लाहौर छोड़कर जा चुके थे, ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं। पाकिस्तानी ऑथर हारून खालिद, जो अपनी इन सर्च ऑफ शिवा, अ स्टडी ऑफ फोल्क रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान और अ वाइट ट्रेल, अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसी किताबों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक्सटेंसिवली लाहौर में पार्टीशन के बाद हिंदूज और सिख के साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि कई हिंदूज और सिख ने राइट से बचने के लिए खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रेडक्लिफ के एक्शंस के पीछे क्या थॉट्स और इंटेंशंस थे, उन्हें 100% श्योरिटी के साथ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो इंडिया छोड़कर गए तो उन्होंने सारे पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उन्होंने बाउंड्री कमीशन के काम के लिए मिलने वाले 40,000 रुपये भी लेने से इनकार कर दिया, और बॉम्बे कमीशन के डिसीजन यानी 17 अगस्त 1947 के पहले ही ब्रिटेन लौट गए। खैर, 17 अगस्त 1947 को फाइनली लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाहौर का पाकिस्तान के पास जाने का सिंपल बेसिस 1941 का सेंसस ही था, जिसके तहत वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि रेडक्लिफ का नाम खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने रिकमेंड किया था, और इसलिए रेडक्लिफ ने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन कुलदीप नायर इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं। सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि हिस्ट्री डिमार्केशन, सीक्रेसी और आर्बिट्री डिसीजंस के चलते लाहौर आज पाकिस्तान में है, लेकिन लाहौर की पाकिस्तान में जाने की ये जर्नी लाखों लोगों के खून से लथपथ है। तो इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कैसे उस वायलेंस को रोका जा सकता था? कैसे एक पीसफुल डिमार्केशन और एक रीजनेबल डिमार्केशन किया जा सकता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी, और सही बात है कि अच्छा, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जो भी हम यहाँ पे अपना रिव्यू दे रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो को देख कर ही दे रहे हैं। हो सकता है कि मतलब कोई हमारे रिव्यू से बहुत सारे लोग हो सकते हैं इख्तलाफ करें, मगर हमारी जो अकल समझ, जो हमारी इस वक्त वीडियो देखने के बाद काम कर रही है, हम उसके मुताबिक अपनी बात कर रहे हैं। तो कोई इसको मतलब कोई ये ना समझ ले हमारे मुंह से कोई निकली हुई बात के भाई वो यही तारीख का हिस्सा थी। तो ये मैं पहले से क्लियर कर दूं यहाँ पर। तो ये बड़े ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई, और इसके मुताबिक जो है वो बहुत सारी चीजें हमें भी जो नहीं पता थी हिस्ट्री के बारे में वो पता चली। हर चीज डिटेल में बताई है जिसने भी बनाई है, और इसने बहुत हर चीज डिटेल में बताई है, उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक एक चीज को फिगर आउट किया है उसने। मगर डिटेल से तो बनाई है, मगर वही बात है कि इन्होंने आखिर में ये बताया कि जब रेडक्लिफ जो है वो जा रहे थे, एक तो मेन चीज ये कि उनके पास सिर्फ 5 हफ्तों का वक्त था। इंडिया यानी हिंदुस्तान जो उस वक्त कहलाता था, तो मतलब हिंदुस्तान के बारे में उनको कोई हिस्ट्री खास पता ही नहीं थी। तो वो बंदा जो है वो आया इंडिया, और फिर 5 हफ्ते के अंदर इतना इम्पोर्टेंट जो है वो उसको फैसला करना था, डिसीजन लेना था, दे दिया। फिर वो जाते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो खत्म करके चला गया। तो तो वो अब जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ जो जिन लोगों के जबानी कोई बातें पता चली उसके बेस पे ही वो इस वक्त ये सारी बातें या ये वीडियो हमारे सामने आई है। मगर ये भी एक बात कंसिडर करने वाली है कि जिसको शायद रेडक्लिफ ने कंसिडर किया हुआ कि 1941 में जो सेंसस हुए थे उसके अंदर मेजॉरिटी लाहौर मुस्लिम्स की जो है वो लाहौर में आई थी। तो उसके बेस पे अब जाहिर सी बात है एक बंदा आया जिसको इतनी हिस्ट्री नहीं पता, वो इसी बेसिस पे देगा वो 5 हफ्ते हैं उसके बाद
पांच हफ्ते उसके बाद में, तो वो यही कहेगा कि यार देखो लास्ट सेंसस क्या हुए थे, लास्ट सेंसस अच्छा भाई ये हुए थे, चलो भाई ये पाकिस्तान को दे दो, अच्छा ये किसी और शहर की ये होते, चलो भाई ये इंडिया को दे दो। वो इसी बेस पे करेगा ना कि भाई यहाँ ज्यादा मुस्लिम्स हैं, हाँ। यहाँ ज्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं, जो नॉन मुस्लिम वाला हिस्सा है वो नॉन मुस्लिम वालों को दे देगा, जो मुस्लिम वाला हिस्सा है वो मुस्लिम वालों को दे देगा, यही उसने किया। तो ये अब वो उस वक्त की जाहिर सी बात है कि वो इतनी, और सिचुएशन भी ऐसी, आप कोई आम काम नहीं कर रहे, आप जो है वो दो मुल्कों के लिए जो है वो सिटीज को सेपरेट कर रहे हो और फिर उनके सिटीज डिसाइड कर रहे हो, और फिर देखे ना कि फिर उससे फिर ये भी हुआ कि कितने मार धाड़ और कितने लोगों की जानों का नुकसान हो गया। ये तो हम लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत दफा यही होता था कि कभी इंडिया से लाहौर और लाहौर से इंडिया, यानी पाकिस्तान से लाहौर और लाहौर से पाकिस्तान जो ट्रेन जाती थी, कभी कभी ये होता था कि वो ट्रेन पूरी की पूरी जो है ना वो मतलब लोग मरे हुए आते थे उसमें। तो ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है और हमने ये बात इसके ऊपर काफी जो है वो मूवीज भी बनी है, तो ये सब चीजें हुई। मगर ये अब हम ये भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यार ये लाहौर अगर इधर इंडिया में चले जाता तो ये नहीं होता शायद, क्या पता तब भी होता। तो अब ये है कि बस अब अल्लाह का ये शुक्र अदा मैं कर रहा हूँ कि चले वो चीजें हो गई, मगर अब चीजें बेहतर हो गई। और ये भी एक बात थी कि जितने वहां पे चले हैं, हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हिंदू या नॉन मुस्लिम जो थे वो तकरीबन 40-45% थे, मगर जब उनको पता चलना शुरू हुआ कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान के पास आ रहा है, तो उन्होंने माइग्रेट करना पहले ही शुरू कर दिया। ये भी अच्छी चीज हुई, तो ये भी उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हुआ, क्योंकि वो भाई हर किसी के ऊपर अपनी चॉइस है कि वो जिस मुल्क में रहना चाहे, जिस शहर में रहना चाहे, वो आजाद है उसके लिए। तो भाई आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छा इतनी ऐसी थी कि मैं बिल्कुल बड़े गौर से मुझे समझ रहा था मैं, क्योंकि ये हिस्ट्री के बेस पे थी ना थोड़ा, बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक इस तरह के ड्राई भी लगते हैं, मगर मैं इसको इस वजह से क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि यार मैं जो आपने वो हिस्ट्री पढ़ी है और इसमें क्या चीज ऐसी बताई जा रही, और पहले एग्जैक्टली हमने कभी इस तरह गौर भी नहीं किया था कि यार लाहौर पाकिस्तान के पास क्यों आया, इंडिया के पास जाना चाहिए था। तो जब ये वीडियो और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था तो हमने फिर पहले तो जब स्कूल में पढ़ाया जाता था तो बस वो एग्जाम्स के लिए याद कर लिया करता था, ये हुआ था, ये हुआ था, सोशल स्टडीज के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस तरह की जबरदस्त वीडियो लेके, हम रोज आपके सामने तकरीबन आते रहते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।